और संविधान की प्रस्तावना पढ़ लेना मंत्री जी, समाजवाद पत्र पढ़ी होगी तो ये संविधान विरोधी है। कभी हम लोगों ने व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की, केवल जब भी समाजवादी पार्टी के दिख जाते हैं ना, कभी टोपी पर, किसने किया था लांछन लगाना। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जब संविधान की संरचना हुई है और हम सब लोग संविधान की शपथ लेकर के आते हैं और संविधान की प्रस्तावना पढ़ लेना मंत्री जी, सभी लोग पढ़ लेना, संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद के लक्ष्य को ही बताया गया है। और ऐसे कहना समाजवाद की जरूरत नहीं है और ऐसे में कहना समाजवाद की जरूरत नहीं है और हम लोग तो संविधान की कसम लिए हैं, शपथ लिए हैं, चाहे जो कहें संविधान विरोधी कथन है ये, अगर इस तरीके की बातें कर रहे हैं समाजवाद के प्रति तो फिर तो संविधान विरोधी। और ये समाजवाद हमारे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, महात्मा गांधी को लेकर लोहिया, जयप्रकाश नारायण जैसे महान राष्ट्र नायकों का स्वप्न है। खुद अटल जी ने भाजपा को समाजवाद अपनाने की लिखित सलाह दी है, लिखित सलाह। अगर उस समाजवाद पर टिप्पणी होगी तो ये संविधान विरोधी है। तो इसलिए मैंने कहा मंत्री जी ये ऐसी बात नहीं करना चाहिए था, आप तो पिछड़े वर्ग के भी हैं, किसानों से भी संबंधित हैं, और जब आप सब लोग कहते हैं, हम लोग भी कहते हैं कि हमारा प्रदेश कृषि प्रधान देश है और यहाँ की जनता का 70% खेती पर निर्भर है, और जब खेती पर निर्भर है तो सिंचाई बहुत जरूरी है और बिना सिंचाई के कुछ हो नहीं सकता है। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं, जय भीम जय भारत।